हेलो, आई एम MST एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मुंबई MST। बोले तो मुंबई मस्त। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से थंडरबर्ड 350X में चैन का लुब्रिकेशन किया जाता है। तो ये है चैन क्लीनर, इसे अप्लाई करने के बाद हम चैन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। देख सकते हैं आप, यह चैन लुब्रिकेंट, इसे क्लीन करने के बाद हम अप्लाई करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसे अप्लाई करना है। तो अब हम चैन क्लीनर को अप्लाई करेंगे गाड़ी चालू करके। गाड़ी चालू हो चुकी है और अब हम चैन क्लीनर को अप्लाई करेंगे इस तरह से, चैन के ऊपर और चैन के साइड में इसे अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई होने के बाद हम चैन को क्लीन करेंगे अच्छी तरह से, इधर हर जगह पे अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो चैन क्लीनर अप्लाई करने के बाद हम इसे 5 मिनट छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इस तरह से क्लीन करेंगे। ये ऊपर से भी क्लीन होगा, नीचे से भी और साइड से भी। इस तरह से गाड़ी चालू करके हम इसे क्लीन करेंगे, सारा डस्ट चैन का निकल जाएगा। फिर उसके बाद स्लो स्लो फिर से क्लीन करेंगे कि जो छोटे पार्टिकल है वो भी निकल जाए अच्छी तरह से। तो वायर ब्रश यूज़ करने के बाद हमें कपड़े से चैन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, कुछ इस तरह से, चारों साइड से, ऊपर से भी, नीचे से भी और साइड से भी। ध्यान रखें कि हमारा हाथ अंदर चैन में ना जाए, इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, सारे डस्ट निकल जाए। देख सकते हैं आप, नेक्स्ट। तो चैन क्लीन होने के बाद अब हम चैन लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके इसे अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। देख सकते हैं आप, ऊपर भी और साइड में भी इसे अप्लाई करेंगे। बहुत ही इजी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यार दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए